तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक सब्जी की रेसिपी है जिसे हम कहते हैं तंदूरी शिमला मिर्च प्याज की रेसिपी। और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस है, झटपट से आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं। और ये इतनी डिलीशियस है कि आप रेस्टोरेंट की सब्जी भी इसके आगे फेल है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कि रेस्टोरेंट से भी बेटर रेसिपी आप अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 3/4 कप दही ले लेंगे। नॉर्मल दही लेना है, अगर फ्रिज में रखा है तो निकाल के बाहर रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप इसको निकाल के एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब दही तो हमने ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम धनिया का पाउडर ले लेंगे और इसमें 3/4 चम्मच गरम मसाला ले लेंगे। ये हमने दही में ही मिलाना है, ये तभी तो आपकी तंदूरी रेसिपी बनेगी। 1/4 चम्मच इसमें लेना है हल्दी पाउडर और नमक लेंगे स्वाद अनुसार, तो वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम 1 टीस्पून इसमें लेंगे लाल मिर्च पाउडर, जो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर हम खाते हैं घर में, वही वाला लाल मिर्च, वो इसमें हम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे बेसन, 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन लेंगे, वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और लेंगे कच्चा सरसों का तेल, वो भी 2 टेबल स्पून। सब कुछ इसके डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से एक चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं एज इट इज़, आपको भी ऐसा ही करना है जैसा आप देख रहे हैं। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। फिर अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हमने लिया है इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको रेंडमली इस तरीके से ही कट करना है। और इसमें 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च लेंगे, तो इसी तरीके से हमें कट करना जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से कट करने के बाद हमने जो ये बैटर तैयार किया है उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे 15 मिनट के लिए, इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, उसमें सरसों का तेल डालना है, 1/4 कप सरसों का तेल डाल दीजिए। इसमें हींग डालेंगे 1/4 चम्मच, हींग डाल दीजिए जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर उसके बाद 1 टीस्पून इसमें हम जीरा डाल देंगे। फिर इसके अंदर हम 1 छोटा साइज़ का फाइनली चॉप करा हुआ प्याज डाल देंगे। तो ये सब डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, पहले मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी हमने 2 टेबल स्पून डालना है। अगर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐसी रेडीमेड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक अच्छी सी एक बहुत ही प्यारी प्यारी सौंधी सौंधी खुशबू आने शुरू हो जाएगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 मिर्च, 3 जो मिर्च होती है हरी वाली वो डालनी है हमारे को फाइनली चॉप करी हुई, वो डाल देंगे। अब इसके अंदर जो हमने बैटर तैयार किया था 15 मिनट के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे दही वाले शिमला मिर्च और प्याज। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद जिस बर्तन में हमने रेस्ट करने के लिए शिमला मिर्च और प्याज रखी थी उसमें थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर डाल देंगे। आप 1/2 कप पानी डाल देना, यही बहुत होगा। इसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करके और ढक कर 10 मिनट के लिए इसे पकाने के लिए रख देंगे। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं, तो ये देखिए आप कितना प्यारा कलर आया, कितना लाल, कितना सुंदर। ये फ्रेंड्स जितना दिखने में लग रहा है ना टेस्टी, उतना खाने में भी बहुत डिलीशियस है। एक बार इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर से थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डाल देंगे। अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते तो आप धनिया स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर मैं डाला तो ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और जैसे ही थोड़ा वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेटिंग करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरी रेसिपी में, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स प्लेटिंग में अच्छे से डाल देते हैं, कलर देखिए आप कितना सुंदर आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लाजवाब है। अगर आप को यकीन नहीं होगा ना तो एक बार आप बना के देखना, घर में शिमला मिर्च और प्याज तो होगा ही होगा आपके पास, तो एक बार ट्राई जरूर करना और मुझे बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी में बस इतना ही, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में कुछ डिलीशियस खाने के साथ। बाय बाय।